अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वीडियो देखिएगा पूरी। इसमें मैं बहुत अच्छी एक बात बताने वाली हूँ। तो ये मैं जॉब से वापस जा रही थी और अब ये मेरी स्लीपर्स देखें आप, और ये मॉल देख रहे हैं, लेकिन ये स्लीपर्स मैंने मॉल से नहीं ली हैं, ये तो मैंने लुंडा से ली थी और बहुत अच्छी चल गई हैं। 3 साल हो गए तकरीबन इस स्लीपर्स को और बहुत अच्छी चल रही हैं अभी तक। मैं जॉब से वापस जा रही थी, थोड़ा सा आपको जॉब का भी क्लिप दिखाऊंगी अपना। ज़्यादा तो मैं नहीं बना सकती, जाहिर है जॉब करती हूँ तो ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती, और भी दूसरे काम करने होते हैं। तो अभी तो मैं जॉब से वापस जा रही थी और जॉब का भी आपको क्लिप दिखाती हूँ, फिर आगे जाके आपको एक बात बताती हूँ। थंबनेल आपने मेरा देखा होगा। असल में काफ़ी दिनों से मैं डाइट कर रही हूँ वेट कम करने के लिए। जब मेरा वेट कम हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप बताइएगा कमेंट्स में कि मेरा वेट वाकई कम हुआ या नहीं। अभी आप लोग देख लीजिएगा मेरा क्लिप कि मैं अभी कैसी हूँ, और जब वेट कम हो जाएगा तब आप देखिएगा कि तब कैसी हूँ। लेकिन बात यह है कि मेरे हस्बैंड को ना मैं मोटी बहुत अच्छी लगती हूँ। वो कह रहे हैं आप वेट कम नहीं करें अपना, लेकिन आप लोग देखिएगा कि अभी मैं मतलब बहुत हेल्दी हूँ। तो आप लोग बताइएगा। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया था, जॉब पर हूँ मैं। अच्छा, अब हम लोग वापसी आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं आपको कुछ खिलाऊंगा, जो खिलाना है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी वीडियो में कि वो मुझे क्या खिलाते हैं। और उन्होंने ज़बरदस्ती जॉब से वापसी में रोक लिया था यहाँ पर। ये है भाई मोहम्मद फूड स्ट्रीट है वैसे तो ये पूरी, लेकिन भाई मोहम्मद रेस्टोरेंट का नाम है जहाँ से इन्होंने मेरे लिए लिया था। बहुत खुशी हुई मुझे वैसे तो। और मैं घर आई हूँ तो ये मोमो, जैसे कि रोज़ आप देखते हैं ये फौरन मेरे पास आता है, मुझे प्यार करता है। और आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत प्यारा मेरा मोमो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। जानवर जो होते हैं ना वो सिर्फ प्यार मांगते हैं आपसे, तो आप उनसे प्यार करें ना। ये कोई गुनाह करते हैं ना ये जहन्नुम में जाते हैं, आपको पता है ये सीधा जन्नत में जाएंगे। और जानवर मैं जो है वो पेट लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, तो मुझे तो वैसे तमाम जानवरों से उनसियत है, मगर ये जो मेरा मोमो है इससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। और एक मेरा ब्रोनो था मेल कैट, उससे भी बहुत मोहब्बत थी। तो अब मैं आती हूँ तो ये मेरे पास ही रहता है, फ़ौरन कहता है थोड़ी देर आप मेरे पास बैठो, फिर उसके बाद अपने सारे काम करना। तो जैसे ही मैं घर पे आती हूँ इसको टाइम देती हूँ, पहले इसको पैम्परिंग करती हूँ, प्यार करती हूँ, उसके बाद अपने सारे काम करती हूँ। तो अब ये देखिए मेरे पास बैठा हुआ है। अच्छा, जब भी आपको आप ये चाहते हो कि जानवर आपके पास रहे तो आप इसी तरह पैम्परिंग करें। ये मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड क्या लाए, जो कि मुझे पतला नहीं होने दे रहे। कह रहे मुझे आप मोटी अच्छी लगती हो, आप जितनी भी डाइटिंग कर लो मैं आपको ये ज़रूर खिलाऊँगा। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद मैंने खाया है, ये नहीं कि मैं रोज़ खाती हूँ, तकरीबन 3 to 4 months के बाद मैंने ये जिंगर खाया है। और ये कोई इतना टेस्टी था, इतना मज़ेदार था कि बस खाते हुए मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन अब मैं जब थोड़ी सी स्मार्ट हो जाऊँगी ना तो वीडियो बनाऊँगी अपनी खाते वक्त। तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोज़ मेरी देख सकें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक किया करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे बहुत मज़ा आने वाला है मेरे व्लॉग्स में आपको, तो आप जो है वो मेरे व्लॉग्स इसी तरह देखते रहें। ऐसी ऐसी मैं ज़बरदस्त तफरियां करवाऊंगी आपको अपने व्लॉग्स में, और ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी कि मज़ा आ जाएगा। व्लॉगिंग को मैंने इसीलिए चुना है कि मुझे व्लॉगिंग सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं इंटरेस्टेड भी इसी में हूँ कि मैं अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ बनाऊँ और आप सबको दिखाऊँ। और ये जो मेरा कैट है ये तो मेरा मेन मोटिव है, ये तो हमेशा मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह बोल दें आप लोग। और माशाल्लाह से ये बहुत प्यार करता है मुझसे, और खाने के बाद फिर से मैं इसके पास बैठ जाती हूँ। रात को जब घर आती हूँ थोड़ी देर मैं इसके पास ही रहती हूँ, और ये इतना प्यारा है कि क्या बताऊँ। अब बस मैं इस वीडियो को जो है वो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे आने वाले व्लॉग्स देखते रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।